बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल साबे शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोस मालूम करना बताऊंगा कि एक्सेल में नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोस कितनी हैं। तो उसके लिए मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा कि कैसे मालूम की जाती हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज एक्सेल में टोटल कितनी है। तो उसको आज एक फॉर्मूले की मदद से हम मालूम करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं एक्सेल के अंदर। तो अगर आप एक्सेल के अंदर कितना डाटा ऐड कर सकते हैं और कितना डाटा आपके पास यहाँ पर डाटा एंट्री के लिए लिमिट होती है कि आप इतना मैक्सिमम डाटा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, जैसे कि आपके पास है ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, इस तरीके से आपके पास आ रहे हैं। अब जैसे ए कॉलम आपका 1 हो जाएगा, बी कॉलम आपका 2 हो जाएगा, सी कॉलम 3, डी कॉलम 4, ई कॉलम 5। तो इस तरीके से कॉलम आपको मालूम होंगे अगर आप काउंट करते हैं शुरू से। लेकिन अगर आप लास्ट कॉलम पर जाना चाहते हैं कि सबसे लास्ट कॉलम कौन सा है और लास्ट कॉलम कितना है, तो यहाँ से जो है वो अगर आप यहाँ से आगे करते हैं, इस तरीके से स्क्रॉल करते हैं और यहाँ से अगर आप करते रहेंगे इस तरीके चेंज, तो देखें यहाँ पर आपके पास टॉप पर जो कॉलम्स है वो चेंज होते जा रहे हैं। तो देखिए Z यहाँ तक हमारे पास अगर कॉलम खत्म होता है तो Z के बाद डबल सीरीज शुरू हो जाएगी। अब A की सीरीज है, अगर हम आगे चलते जाएंगे तो A की सीरीज देखते हैं कि अगर ये कंप्लीट होगी तो क्या होता है। तो A सीरीज कंप्लीट करने के बाद देखें यहाँ से B की सीरीज शुरू हो गई। इस तरह B की खत्म होगी फिर C की शुरू हो जाएगी और इसके अलावा फिर 2 की सीरीज खत्म होने के बाद 3 की सीरीज शुरू हो जाएगी। तो इस तरह मुझे बहुत टाइम लगेगा इस तरह स्क्रॉलिंग करते हुए जाते हैं। तो आप क्या काम करेंगे कि अगर आप अपने फर्स्ट वाले कॉलम पे आ जाएं, आपको लास्ट वाले कॉलम पे विजिट करना है, तो आपने यहाँ पर जो कीबोर्ड पे जो एरो बटन होते हैं राइट लेफ्ट अप डाउन, तो आपने कंट्रोल प्रेस करना है और राइट एरो आपने प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप अपने लास्ट वाले कॉलम पे चले जाएंगे डायरेक्ट। और अगर आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो अगर आप प्रेस करते हैं तो आप वापस फर्स्ट कॉलम के अंदर इस तरीके से पहुंच जाएंगे डायरेक्टली। तो अब अगर आप यहां पर अगेन कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करते हैं तो देखें यहां पर लिखा हुआ आ रहा है XFD। अब मुझे नहीं मालूम कि XFD मेरा कौन सा कॉलम नंबर है, तो इसके लिए यहां पर जो है मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा इक्वल कॉलम। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉलम COLUMN और इसमें हम सिंपल ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कुछ भी नहीं करना इसमें आपको, आपने इसको कर देना इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो देखिए आपके पास नंबर ऑफ कॉलम टोटल आ चुके हैं 16,384, यानी कि इतना मैक्सिमम डाटा आप ऐड कर सकते हैं। अब देखें अगर मैं एक कॉलम पहले अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, तो कॉलम का फॉर्मूला हमने राइट किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर। और एंटर करने के बाद देखें 16,383, यानी कि आप एक कॉलम कम आ चुके हैं। तो आपने ये तो मालूम कर लिया कि आपके पास नंबर ऑफ कॉलम की तादाद कितनी है एक्सेल के अंदर। अब अगर हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे वापस तो हम पहले ही कॉलम पे आ जाएंगे। अब ये लाजमी नहीं है कि आप आखिरी कॉलम पे लगाए, आप किसी भी कॉलम पे लगाएंगे आपको बता देगा कि आप कौन से कॉलम नंबर पर मौजूद हैं। आखिरी कॉलम पे इसलिए लगाया हमने फार्मूला क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं थे, कॉलम्स थे, तो हमें मालूम हो चुका है कि हम कौन से कॉलम पर मौजूद हैं और टोटल कॉलम कितने हैं। अब जैसे जी वाले कॉलम पे मैं फार्मूला लगाता हूँ इक्वल कॉलम ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। एंटर करने हुआ तो देखें मेरे पास जी कॉलम जो है वो 7 है। आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर अगर आपने फॉर्मूला लगाना है इक्वल कॉलम ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो आप कॉलम नंबर 11 पर मौजूद है। इसी तरह अगर आपको रॉस मालूम करनी है तो आप देखें रॉस के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आपके पास नंबर ऑफ रॉस कितनी है। अगर मैं किसी भी रॉ के ऊपर जाता हूँ तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मैं रॉ नंबर 8 पर मौजूद हूँ। तो इसके लिए हमारे पास जो रॉ का फॉर्मूला होता है, जैसे हमने इक्वल लगाया और यहाँ पर राइट किया रॉ ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि हमारे पास कौन सी रॉ है, रॉ नंबर 8, यानी हम रॉ 8 नंबर रॉ पे मौजूद हैं। चले हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल रॉ ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो देखें कौन सी रॉ आ रही है, रॉ नंबर 15 आ रही है। इसी तरह अगर आपको लास्ट रॉ पे जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो आपने प्रेस कर देना है
और आप लास्ट रॉ में चले जाएंगे तो टोटल लॉस जो है वो आपके पास कितनी है, 10,48,576, यानी कि 10 लैक्स रॉज हैं और 16,000 कॉलम्स हैं। अब कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो वापस आप टॉप पर आ जाएंगे। अब इससे आपको इस फॉर्मूले से जो मैंने आपको आज ही क्लास में बताया है कि दोनों फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे मालूम कर सकते हैं और कितना आप मैक्सिमम डाटा एक्सेल के अंदर आप इसमें सेव कर सकते हैं या इंटर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।